कैसे हो? जब इसका ट्रेलर आया था तब हमने लगभग अप्रॉक्स स्टोरी पे बात की थी, और उस टाइम पे मैंने ये बात आप लोगों से नहीं की थी, लेकिन मैं अभी वापस दोहरा रहा हूँ अब तो ये कि भाई जब आपका सीज़न 1 सीज़न 2 अच्छे चलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सीज़न 3 क्यों आया, लोग ये भी पूछते हैं। यहाँ पे फिर भी मैं कहूँगा कि नहीं, ठीक है आप ला रहे हो, बुरी बात नहीं है, लेकिन होता ये है क्या? इट्स नॉट अबाउट नेहा, शी इज़ नाइस, नो डाउट, उसकी एक्टिंग वगैरह की बात नहीं आ रही यहाँ पे, लेकिन जो साइड कैरेक्टर्स है ना, वो भी कितने तैयार है, वो भी बहुत मैटर करता है यार। अब ठीक है भाई आप ऑनलाइन ला रहे हो, लेकिन अगर यही कोई मूवी होती और वो थिएटर में आती तो सम हाउ ये 3rd सीज़न तक जाता भी नहीं, या फिर पार्ट 3 तक जाती भी नहीं। तो कभी कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास पैसा होता है, वो तगड़ा यूज कर भी देते हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि यार मेन कैरेक्टर की बात नहीं चल रही है, जो साइड कैरेक्टर से उनकी एक्टिंग में सच में उतना दम है क्या कि आप इतनी बड़ी स्टोरी लेके आए हो उनके सामने? ये आई थिंक इसमें मैंने बहुत कुछ कह दिया, और जिन लोगों ने इस वेब सीरीज़ को फॉलो किया है वो समझ गए होंगे कि मैं किस कैरेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ। सम हाउ वो कैरेक्टर, और कभी कभी ना कैरेक्टर को कितना स्पेस देना चाहिए ये भी तो इनको समझ में आना चाहिए यार। एनी वेज आई डोंट हैव टू से एनी थिंग अबाउट दिस नाउ, ठीक है आप ज़्यादा अभिनय एक्सपेक्ट किए ये देख सकते हो, लेकिन आप अगर इसमें बहुत ज़्यादा ही कुछ, कब मैं सच बोल रहा हूँ, सीज़न 1 सीज़न 2 इनफैक्ट सीज़न 3 भी ठीक है, पर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है ही नहीं यार। मैं तो सच बोल रहा हूँ, सीज़न 1 भी उतना क्या था कि भाई मतलब सीज़न 2 आया। चलो ठीक है, नेहा जी को यार जॉब मिल गई, अच्छी बात है, वैसे भी ऐश्वर्या का तो कुछ मुश्किल ही है, ऐश्वर्या ही नाम है ना उसकी सिस्टर का, मुझे पता नहीं यार, तो ठीक है। पर नेहा इज़ सो टैलेंटेड, पहले की भी बात बोलूँगा मैं भी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में उनको साइड किया गया है जानबूझ के, पता नहीं क्यों, ये मेरा ओपिनियन है, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ मैं, मे भी हो सकता है, लेकिन कि उनमें ऐसा कुछ है नहीं, ये नहीं था भाई कि वो एक्टिंग अच्छी नहीं करती है, शी इज़ गुड इन दिस ऑल्सो, बट मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ कि स्टोरी वाइज कभी कभी डल लगता है यार। मतलब इवन 1st सीज़न भी ठीक है, 2nd सीज़न से ही मेरा थोड़ा सा ओपिनियन बदल गया था, और मुझे लगा 3rd सीज़न देखने के बाद चेंज होगा, लेकिन नो,